अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है कलर, बड़ा ही अच्छा सा वाइट कलर हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वाइट कलर और शादी की तैयारियाँ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से आबोताब से जा रही हैं। तो वाइट कलर हम लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पहले तो मेरे भाइयों को बहुत पसंद था थोड़ा वाइट कलर, और घर थोड़ा रोशन रोशन सा दिखता था, खुला खुला सा दिखता है वाइट कलर से ना। तो अब मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी होने वाली भाभी हैं उनको भी वाइट कलर ही पसंद है घर में। तो बल्कि वो कहती हैं कि मैं जब भी कभी सोचती थी तो मैं ये कहती थी कि जहाँ मेरी शादी हो वहाँ पर बहुत बड़ा घर हो और हो भी सारा वाइट कलर का। तो हम लोग अब हंसते हैं कि चलो अभी इनकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हुई है कि इनको बहुत बड़ा और खुला और वाइट वाइट सा घर मिल गया। तो इसीलिए फिर भाई ने दोबारा फिर यही कहा कि अब फिर से जो है ना वो वाइट कलर ही करवाएंगे। फिलहाल हम बाहर का जो एरिया ना वो सारा कलर करवा रहे हैं क्योंकि लाइटिंग होनी है कल या परसों जो है ना, वो सारी बाहर से जो है ना वो लाइटिंग हो जाएगी। तो इसलिए बाहर का एरिया वो पहले अम्मी कलर करवा रही हैं। तो चलिए, अभी बाहर का एरिया तो मैंने सारा आपको व्यू करवा दिया एक दफ़ा कि क्या क्या जो है ना वो चल रहा है। और अब चलती हूँ अंदर की तरफ और अंदर की सूरत हाल भी ज़रा देखें, घर की हमारी हालत क्या हुई भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा घर जो है ना वो मैस हुआ है उल्टा सीधा, क्योंकि घर में चल रही है सेटिंग। क्योंकि अब आगे दिन बहुत कम है शादी की और आपको पता है मेहमान सारे इकट्ठे होंगे, तो घर में जो है ना उस तरह से सेटिंग करनी है कि जो हर रूम में थोड़ा स्पेस मिल जाए, चरपाइयाँ बेड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाएं, ताकि जो भी कोई भी आने वाला मेहमान है ना उसको सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। घर में जगह जो है ना वो अच्छी स्पेस होना चाहिए। तो बस अभी सोफ़े सारे जो हैं वो हम लोगों ने बाहर हाल में निकाल दिए, क्योंकि बाहर जो है वो ढोलकी वगैरह भी 3-4 दिन रखेंगे। तो उसके लिए आपको पता है कुछ तो नीचे बैठ सकते हैं, कुछ नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए जो है ना फिर सोफ़े सेट कर दिए। तो बाकी ये जो बड़ा वाला रूम है ना, ये भी सारा सामान इधर से अब निकलता जा रहा है। बाकी ये जो हमारी भाभी के सोफ़े हैं ये एक साइड पर लग जाएंगे, क्योंकि भाई अपने सोफ़े तो हमारे जिससे मर्ज़ी इस्तेमाल हो, हमें कोई टेंशन नहीं। तो भाभी का जो सोफ़ा है ना फ़िलहाल अभी हम लोग इसको फ़िलहाल यू नो फ़िलहाल संभाल के रखेंगे, क्योंकि भाभी जब आएंगी तो वही अपनी मर्ज़ी से इसको सेट भी करेंगी और जहाँ उनका जैसे दिल करेगा उसको सेट करेंगी। तो बाकी जो है ना फ़िलहाल का मतलब मेरा यही है कि बाद में तो जब भाभी आ जाएगी अपनी मर्ज़ी सेट कर लेगी तो फिर तो भाई हम भी इसके ऊपर जो है ना उछल कूद सकते हैं। तो मजाक कर रही हूँ, नहीं भाई, माँ बाप अपनी जो औलाद है ना उसको ख़ासतौर पे बेटियों को बड़े ही प्यार से जो भी चीज़ देते हैं ना तो वो बड़े ही प्यार से देते हैं। तो इसलिए बेटियाँ भी जो है ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हैं। तो ये जो टेबल है ना यहाँ पे, इसके ऊपर थोड़ा सा मेहंदी का सामान और बिद वगैरह पड़ी हुई है जो कि जानी है। लड़की वालों की तरफ तो अभी तक वो गई नहीं है और इसकी बास्केट भी अभी तैयार करनी है। इंशाल्लाह कल या परसों जो है ना मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेहंदी पे जो जो चीज़ें ली हैं दुल्हन की, और मेहंदी पर जो सामान भेजना है ना वो वाला, तो वो भी मैं आपके साथ व्लॉग जो है ना शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल घर की जो सेटिंग है ना वो सारी चल रही है। तो मैं अभी खाने लगी हूँ बैठ कर, यहाँ पे केक और मज़ेदार सा मीठा मीठा चॉकलेट केक है। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ मुँह मीठा जो है ना वो कर लें, तो फिर केक खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की सूरत हाल घर की ना वो दिखाती हूँ। तो मतलब कि अभी आपको पता है शादी के दिनों में हर घर में ही तकरीबन यही चल रहा होता है। और पेंट हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसलिए शुरू करवाया क्योंकि पूरे घर में हम लोग फ़िलहाल पेंट नहीं करवा रहे हैं। वाइट ही पेंट करना था तो घर का पेंट ऑलमोस्ट साफ़ ही है, तो इसलिए बस बाहर बाहर का मैंने कहा कि करवा लो क्योंकि लाइटिंग होनी है तो पेंट हुआ हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भाई जो है ना वो दरवाजे को पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा है और ये भी साफ़ ही था, बस पॉलिश करने से थोड़ी सी इसमें चमक आ जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये वाली जो है ना, ये चील आपको देख रहे हैं ना, ये चील ना इतनी कोई पुरानी है, इतनी कोई पुरानी है कि मेरे ख्याल में हम लोग भी छोटे छोटे थे ये जब की है। तो ये घड़ी थी ना, देख रहे होंगे इसके पेट में जो है ना वो घड़ी की वो शेप बनी हुई है और इस पर सुइयाँ लगी हुई थी। तो पता नहीं उसकी सुइयाँ कहाँ चली गई हैं, बैटरी इसकी कहाँ चली गई हुई है, और ये चील वापस बची और प्योर लकड़ी की जिसे कहते हैं ना कि ये बनी हुई है, तो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो हालांकि ये बेचारी ने इतनी कोई मार खाई है ना इस चील ने, कभी बाहर कभी अंदर कभी कहीं पड़ी रहती है। तो अभी इसको भी भाई ने पॉलिश कर दिया अच्छे से करके, साफ़ करके ये भी बाहर लगा देंगे। और दूसरी चीज़ें भी जो है ना साथ रखी हुई है, देखे कलमा और अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, तो ये भी जो है ना ये यहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखें बस सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है हमारा जो गराज है ना वो। तो ये जो भाई लगा रहे हैं ना सिंदरी, ये मेरी अम्मी ने अपनी जवानी में मतलब शादी से पहले अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाई थी। छोटे छोटे से कील लगा के पूरा खाना काबा लगा बनाया था और उसके अंदर फिर धागे से जो है ना उसको वो मतलब के सारा किया हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत है। तो ये अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था तो इसलिए अम्मी ने ये अभी तक रखा हुआ है अपने पास ही। तो बाकी ये देखें जिसकी फाइनल लुक और बताएं कैसा लग रहा है हमारा घर। अभी जो ना फिलहाल किचन वाली जो बाजी है ना वो बना रही हैं खाना,
ठीक है। सो आपको दिखाते हैं माशाल्लाह ज़मींदारी जो है ना बहुत बड़ी हो गई यू नो, सो इंशाल्लाह हट करवाएंगे ठीक है, और खाना भी दिखाते हैं ठीक है। सो व्यूअर्स इस टाइम हो गया है तकरीबन 5:45। सो व्यूअर्स रईस भाई आ गए हैं ठीक है। सो रईस भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खुश है ना? सो रईस भाई एक बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, किधर भागी जा रहे हैं? वो कैसा लगा आपको वो बाहर का? अच्छा हो गया? तो व्यूअर्स वो रईस भाई व्यूअर्स कहते हैं स्माइल नहीं करते, स्माइल करके दिखा दें आज व्यूअर्स को। नहीं स्माइल करो, करो तो सही स्माइल, करें स्माइल, स्माइल है। अच्छा स्माइल है, चलो यहाँ दो ठीक है रईस भाई, ओके। हंस दिया करो जनाब, हाँ जी ठीक है, ओके हो गया ये। आप आई थिंक उसकी जो इसको इनका वो करते हैं ना, ओपन करते हैं वो, इसकी केस जो होती है ना वो आपके लॉक में थी? लॉक में नहीं, वो जो साइड पे था। अच्छा अच्छा उधर था, ओके ओके चलो सही है फिर है, ओके। ये वाला एरिया भी सुबह हो गया क्योंकि जनाब इधर खड़ी है गाड़ी ठीक है, तो ये वाला एरिया सुबह करवाएंगे, ओके हो गया ना? तो फिलहाल हमारा ये वाला डन है ऑलमोस्ट। सो व्यूअर्स आज इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया हमें ठीक है। सो ये देखें, ये है लाइफ स्टाइल विद नूरीन, जो कि अपना फेस इस टाइम नहीं दिखा रही, और हमारा फेस ये जैसे मर्जी हो, हम जिस मर्जी हालत में हो हमें दिखा देती हैं, और बाद में कहती हैं नहीं नहीं ये क्लिप हमने नहीं डिलीट करना, नहीं डिलीट करना, कोई मसला ही नहीं, इतने अच्छे लग रहे हो ना, इतने अच्छे लग रहे हो, ये क्लिप हमने बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना ठीक है। हालाँकि हमारी हालत जो है ना वो मतलब कि नहीं होती ऐसी ठीक है। सो देखें अब अपना फेस शो ही नहीं करवा रही है ठीक है, और हमारा फेस जैसा मर्जी हो ठीक है, हमने मुंह ना भी धोया हो तो फिर भी कहते नहीं नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह हीरो लग रहे हो आप तो ठीक है ना। सो व्यूअर्स आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं व्यूअर्स, हाँ जी। सो व्यूअर्स आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं आप माशाल्लाह, आप इतना मतलब कि प्यार करते हैं यू नो, तो माशाल्लाह 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 बहुत ही ग्रेट हैं आप ठीक है। सो उम्मीद है कि ये जो मैंने क्लिप बनाया आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, हंसते रहें और हंसाते रहें, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा भी देखें पॉलिश हो गया, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सारा गराज भी हमारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, बस कमी थी तो नीचे जो है ना अभी मार्बल टाइल्स वगैरह जो नहीं लगी हैं वो, इंशाल्लाह जब भी कभी भी मार्बल या टाइल्स यहाँ पे लगेंगी फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या हुआ चूना बज्जी? ये देखिए जरा मैं आपके व्यूवर्स को दिखा रही हूँ कि जी आपकी जो लाइफ स्टाइल विद नूरीन है ना, मैं ये करो यार मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, ये आज बहुत ही ज्यादा अपसेट है, बहुत ही ज्यादा उदास है, तो मैंने चिल करने की कोशिश कर रही हूँ, इनको आ रही है अपने बच्चों की याद बहुत ज्यादा, स्पेशली हुसैन की। तो ये देखे ना भाई, ये बच्चे के आपके नहीं है, कह रहा ना 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 कह रहा ना ना ना, ये देखे इतना, ये भी तो बच्चे आपकी है ना, ना 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 ना, ऊपर देखे मैं तुम्हें मजाक करें, मजाक नहीं लगी कोई बात नहीं, आ रहे हैं भाई जरा, मैंने कॉल की थी आज, मैंने पूछा था इंशाल्लाह एक दो दिन में, कहे थे हम लोग पहुंच जाएंगे, बच्चे भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, आ जाती है आज बिल्कुल आती है, जाहिर सी बात है अभी भाई के लिए आई है, हमें पता है भाई की शादी के लिए, जाहिर सी बात है बहनों ने आना ही होता है, बच्चों के स्कूलिंग का मसला है, वरना तो जाहिर सी बात है बच्चे भी साथ ही होते,
अब सारे आपी मोजी सबका यही है, बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गए, अब स्कूलिंग का मसला है, डेज ऐसे हैं बच्चे छुट्टी नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे भी एक दो दिन में पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह, वीर हल्ला होने वाला। तुम्हें ऊपर किसने भेजाइए बताओ, सबकी उदासी दूर हो जाएगी। तुम्हें ऊपर किसने भेजा, मम्मी ने बताया था, खाला जान डोली है मम्मा, तुम ऊपर क्यों आई और मेरा मोबाइल उठा के, वो भी मम्मी ने देख लिया था ना, मम्मी के नीचे जा गया था, मम्मा खाला जान लोली है जरा देखना जाके ऊपर, मैंने देखा आके ऊपर तो मम्मी की खाला जान लोली थी, है ना बिल्ली। तय का दिल करता है कि हुसैन आए, उसको मैं गले से लगाऊं और उसको प्यार करूं, और अक्सर मैं वीडियो कॉल पे भी उससे बात करती हूं, लेकिन जाहिर सी बात है एक जो उसको मतलब कि अपने साथ लगा के जो सुकून मिल रहा है वो ऐसे वीडियो कॉल पे तो सुकून नहीं मिलता है। तो जी बस ऐसे ही मैं ना शाम के टाइम पे ऊपर बैठी थी, तो एकदम से मुझे बच्चों की याद आने लगी, तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी, मेरी बहन मेरे पीछे ही आ गई थी कि भाई उससे पता चल गया कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो बस कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चों की याद आ जाती है, बल्कि अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नूरिन तुम बच्चों को छोड़ के आके यहाँ पे कैसे रह गई हो, इतने दिन पहले आ गई हो, ये वो काफ़ी ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन वही बात है ना कि माँ से बेहतर कौन जानता है कि किसको मतलब कि होता है ना वो बच्चों से दूर रह कर या हस्बैंड से दूर रह कर वो खुश रहती है या नहीं। हाँ हस्बैंड लोग जो है ना वो दूर रहकर मेरे ख्याल में खुश रह लेते हैं, लेकिन बीवियों को जो है ना वो टेंशन हो जाती है अपने घर की, बच्चों की, शोहर की, तो वो ज़्यादा दिन मुझे ऐसे लगता है कि नहीं रह सकती हैं। तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ये बच्चे भी आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे जो साथ वाला घर है ना तो उन्होंने यहाँ पे मोर रखे हुए और इतना प्यारा लग रहा था वो लॉन में घूमता हुआ, तो मैंने उसके क्लिप निकाला छोटा सा, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से यहाँ पर। तो बस जी बाकी आप लोग बस दुआ करते रहिएगा, इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो निकल आएंगे, तो बल्कि आप लोग तक जब जेब लोग जाएगा शायद मे भी वो सफ़र में होंगे, तो आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनका है खैरियत से सफ़र जो है वो पूरा करें और वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। आमीन। ओके जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तो आप लोग बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स का, और इन व्लॉग्स डेली अपलोड किया करें, डेली व्लॉग्स अपलोड किया करें, थोड़ा सा जो है ना वो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली जो है ना वो व्लॉग्स वगैरह डालूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, डेली मैं रीड भी कर रही हूँ साथ के साथ, हाँ कभी कभी जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर अच्छे से व्लॉग में, लाइक कर दे मेरे व्लॉग को याद से, और न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो बस चलती हूँ अब नीचे, और अगर आगे कुछ मिला ऐसा कुछ व्लॉग शूट करने के लिए तो ज़रूर कंटिन्यू होगा मेरा व्लॉग आगे, अदरवाइज यहीं पर मेरा व्लॉग आज का एंड हो जाएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।